Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि last episode में मैंने finally एक supercar खरीद ली थी, जो कि थी फरारी. अब यार देखो, मेरे लिए ना एक supercar खरीदना बहुत ज्यादा important था. जब से गेम में ड्रैग रेस आया ना, मैं पैसे वहां से बहुत तेज कमाते रहा हूँ, पर जब बारी आती है ना अच्छी रेसिस करने की, जिसको जीतने पे $2-3 लाख मिलते हैं, उसमें मैं पैसा हार जाता था, क्योंकि अपोनेंट Audi R8, Nissan GTR, ये सारी गाड़ियां होती थी. पर अभी अपने पास फरारी आ चुकी है, यानी मैं शोरूम से गाड़ियां बेच के भी पैसा कमा सकता हूँ और ड्रैग रेस में हमेशा जीत कर भी पैसा कमा सकता हूँ. पर हाँ, वैसे फरारी से मैं जीता तो बहुत हूँ, लेकिन अभी तक रेस निसान, पोर्शे, सुपरा और भी काफी सारी तगड़ी तगड़ी कार से उनसे रेस नहीं हुई है. वैसे जहां तक है फरारी हरा देगी, बट हाँ पैसे तो मुझे कमाने हैं. लेकिन आज की वाली वीडियो में अपना टारगेट ये है कि मुझे ना एक घर खरीदना है. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू कार फॉर सेल. तो देखो, ये है मेरा घर इस गेम में. मैं एक फरारी $500,000 कार का ओनर बन चुका हूँ, पर मेरा घर एक कंटेनर है, जिसके अंदर देख रहे हो ये घटिया सा बेड है. इसको तो मैं बेड भी नहीं बोलूंगा, भाई खाट है लोहे की. और यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है, जो कि मुझे पता नहीं जलती है नहीं जलती, कुछ नहीं मालूम. खिड़कियां काट रखी है भाई, विंडो भी नहीं है प्रॉपर. तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ये जो गाड़ी है मैं इसे बिजनेस के लिए नहीं खरीदा. मैं इस गाड़ी को बेचने नहीं वाला, ये मेरी पर्सनल कार है. इसका मैं इसे बहुत ध्यान रखता हूँ, हमेशा इसे धो के रखता हूँ. पता नहीं कैसे रात भर में गंदी होगी भाई, बहुत ज्यादा चमकती वाली गाड़ी है, इसलिए जल्दी गंदी दिखती है. तो हाँ, मतलब आप लोग कह सकते हो कि अभी मैं एक फरारी ऑन करता हूँ इस गेम में, बट घर अपना बहुत गंदा है. तो सबसे पहला मेरा टास्क ये है कि आज मैं एक बढ़िया सा घर खरीदने वाला हूँ. मुझे मालूम भी नहीं है इस गेम में घर कहाँ से खरीदते हैं, बट जो भी है फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं. आज बिजनेस भी बहुत सारा करना है, ड्रैग रेस करके भी पैसा कमाना है, और फटाफट से अपने लिए एक बढ़िया घर ढूंढना है, वरना मैं इसी कंटेनर को अपग्रेड करके इसमें रहूंगा. वैसे बात आ रही है फरारी की, तो आज तुम्हें दिखाता हूँ भाई गाड़ी क्या भागती है. ड्रिफ्ट तो बहुत सही है भाई इसकी, मजा आ रहा है, ड्रिफ्ट लगती है. तो बाकी आज मेरे को ना कुछ अनपेड बिल्स है जो कि पे करने हैं. मंडे का डे ऐसा होता है कि मैं बैंक के बिल्स पे कर सकता हूँ. मैंने बहुत लोन वगैरह लिया था, तो अगर मैं उसे पे कर दूंगा, कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से लोन ले पाऊंगा. अगर ठीक है, ऑफिस पहुंच चुके हैं और ऑफिस में बहुत ज्यादा गंदगी है. रुको, गाड़ी को मैं साइड में पार्क कर देता हूँ पहले. तो एक सेकंड रुक जाना, यहीं पे गाड़ी पार्क करता हूँ. भाई लोगों को दिखनी चाहिए कि टेक्नो मोटर्स के बाहर भाई एक फरारी खड़ी होती है. ऐसा लगना चाहिए ना भाई, टेक्नो मोटर्स का ओनर फरारी में आता है भाई. तो पहले तो थोड़ी सफाई कर दो भाई, ओनर खुद ही सफाई करता है, पता नहीं क्यों, ये नहीं समझ आया. बट ठीक है, ऐसे खुद सफाई करनी चाहिए, सफाई करना अच्छा काम होता है भाई. लेकिन कुछ ज्यादा कूड़ा नहीं फेंक गया सच में, कूड़ा खत्ता समझा हुआ है भाई इसको. जब देखो भाई यहीं पे कूड़ा, पूरे इतनी बड़ी दुनिया में सारा कूड़ा मेरे ऑफिस के बाहर के होता है. ओला के कैन, प्लास्टिक के बैग यहीं फेंक के जाते सारे. बड़ा जो भी है, फटाफट से ओपन करते हैं टेक्नो मोटर्स को. मैं पता चाहूं तो फरारी बेचकर मिलियनेयर बन सकता हूं, क्योंकि $5 लाख मेरे पास है और फरारी भी 5 लाख की बिक जाएगी. बट क्यों बेचनी यार, उसको बेचे बिना ड्रैग रेस करके बनता हूं ना. हाँ, तो मैं चलता हूं बिल्स में, और यहां पर है सारे बिल्स जो कि मुझे पे करने हैं. डन. अरे बैंक का बिल भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बैंक का बिल कहाँ से पे करूँ. छोड़ो जो भी है भाई, बैंक का बिल तो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा कैसे पे करना है. भाड़ में जाए मुझे नहीं जरूरत है भाई बैंक की, मुझे अभी जरूरत है एक घर की. तो अपग्रेड्स में चलते हैं. ये ऑफिस नहीं, वेट एक सेकेंड, मुझे एक नया घर खरीदना है. घर कैसे खरीदते हैं? अपग्रेड्स, ऑफिस, डेकोरेशन में जाता हूँ मैं. कंटेनर, यार ये तो कंटेनर अपग्रेड हो रहा है मैं इसमें. ओ हाउस, ओ एक सेकेंड, नहीं शायद से मुझे घर प्रॉपरली ढूंढना पड़ेगा क्या नेबरहुड में जाके. लेट्स गो भाई, गाड़ी में बैठता हूँ. सामने एक घर है, ये खरीद सकता हूँ क्या? इसके बहुत पास रहेगा यार, बार बार दूर नहीं आना पड़ेगा. ट्राई करते हैं, घर ऐसे बुरा भी नहीं है, अच्छा सा है, बड़ा आई डोंट थिंक ये सेल पर है. एक बार चलकर देख के आता हूँ. हेलो, अरे तो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा मैं. नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये घर नहीं खरीद सकते. यार घर कैसे खरीदते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं करा इस गेम में घर खरीदने का. कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपने कंटेनर को अपग्रेड कर पाऊँ? अगर मैं डेकोरेशन में गया, कंटेनर पे गया, इन डिजाइन नहीं, मैं ऐसे विंडो लगा सकता हूँ यहाँ पे, इस टाइप से विंडो लग जाएगा. बेड, बेड में अच्छा कर सकता हूँ. हाउस कैसे आएगा यार, मुझे घर लेना है. मुझे लग रहा है कि शायद से भी मुझे फटाफट नेबरहुड में ही जाना पड़ेगा, और जो भी घर बिक रहा होगा पता चल जाएगा वहां पर, क्योंकि मैंने एक दो बार ही नोटिस करा है किसी किसी घर के बाहर लिखा रहता है फॉर सेल, तो मुझे वाले घर ढूंढने हैं. बाकी पैसों का कमी नहीं है उत्तरी, पटाका मत मार फरारी, थोड़ा सा वेट कर ले. हाँ पैसों का कमी नहीं है, पैसा हम लोग यहाँ से कमा लेंगे. बट एक सेकंड गाइस, ड्रैग रेस चालू है और ड्रैग रेस के लिए एक लंबोर्गिनी आया हुआ है. वेट, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, थोड़ा से इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं. हेलो मैम, आप रेस करा रहे हो $1,20,000 का बेट, और ये लंबोर्गिनी वाला बंदा अमीर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा. ये $2,40,000 का रेस कर रहा है. इसकी फरारी का 2006 का मॉडल है अपने पास. ओ सॉरी, इसकी लंबोर्गिनी 1988 मॉडल है. कर दूंगा रेस का, इस मन तो कर रहा है भाई. या तो एक काम करता हूँ, पहले ना घर देख कर आ जाता हूँ. 2,40,000 यार, मैं कहीं ऐसा ना हो कि रेस हार जाऊँ और फिर घर खरीदने के पैसे ना बचे, बस इस बात का थोड़ा दुख है. बट हाँ आ जा भाई, लगा ले रेस. बेटे फरारी है, हरा देगी. फर्स्ट टाइम है भाई,
फर्स्ट टाइम लैम्बोर्गिनी वर्सेस फरारी कार फॉर सेल में। मुझे नहीं पता भाई ये दोनों सुपर कार में से कौन जीतने वाला है, बट मुझे अपनी फरारी को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस है। अगर इसने नाक कटाई मैं इसको कली बेच के लैम्बोर्गिनी लूंगा, सच बता रहा हूँ। अपनी गाड़ी फुली अच्छी खासी ट्यून है, टायर भी अच्छे खासे लगे हुए हैं, नाइट्रो वगैरह सब कुछ है भाई। गियर अप मार के भाई जीत गया ना, बहुत तगड़ी कमाई हो जाएगी भाई, मतलब ऐसे मजा आ जाएगा। चलो भाई हारना नहीं है, बिल्कुल नहीं हारना। भागो 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 भागो। स्टार्टिंग बहुत सही हुई अपनी, बहुत सही। ओ हम लोग जीतने वाले हैं क्या भाई? कुत्ता बना दिया, पर कुत्ता बना दिया भाई लैम्बोर्गिनी का। ओ भाई फरारी इज बेस्ट भाई। क्या क्या मेरी आई है भाई अचानक से $727,000 हो गए भाई बैंक में। ये क्या लेकर आया कबाड़? कितने की रिस लगा रही है? कमा लू क्या? ऑडी S4 है, 7 लाख, सॉरी 1 लाख कमा लूंगा इसके साथ भी, रेस कर लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं भाई। यार आज ना लैम्बोर्गिनी को हरा के मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया है। अब बस डर है तो मुझे सिर्फ निसान GTR से है और किसी गाड़ी से नहीं है। मुझे नहीं लगता सुपरा हरा पाएगी भाई फरारी को। पता नहीं कितना ट्यून कर रखा होगा, बट जो भी है भाई फरारी नेक्स्ट लेवल है। गंदा आ रहूंगा भाई इसको भी। लेट्स गो भगाओ भाई, ये तो पिटेगा यार, ये तो टाइम पास के लिए बंदा। क्या कर रहा है भाई? भाई मुझे बूस्टर मारना है भाई, बहुत गैप है, हद से ज़्यादा गैप है। लो भाई अगले जन्म में आ रहा है भाई, दो बार हरा देता तेरे को तो। ये देखिए भाई मैं अपनी फरारी को इतना जिताऊंगा पूरे गांव में फेमस कर देंगे भाई गाड़ी। ओह सॉरी पूरे शहर में करेंगे भाई, गांव में क्यों करनी। चलो $825,000 हो चुके हैं भाई। $3 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी थी, पता नहीं इससे मैंने कितना पैसा कमा लिया अभी तक। मजा आ रहा है भाई, हारता ही नहीं हूँ इस गाड़ी से जब तक अभी तक मैं एक भी रेस नहीं आ रहा है इस गाड़ी से। लेट्स गो भाई, इंजन चालू करते हैं और जल्दी से इसे लेकर चलते हैं नेबरहुड में। अभी तो भाई मैं इतना है कि 2 मकान खरीद दूंगा और कल अगर ऑक्शन या फिर कोई कार मार्केट प्लेस लगा तो हम लोग एक और सुपर कार ले लेंगे, लैम्बोर्गिनी या फिर एक और फरारी ले लेंगे। बाकी आज अपने शोरूम के लिए ना थोड़ी बहुत गाड़ियां खरीद लेता हूं। मतलब खाली पड़ी हुई डीलरशिप ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, लोग टेक्नो मोटर्स पे लोग आ रहे होंगे, उनके पास कुछ होगा ही नहीं खरीदने के लिए। बाकी मैं आ चुका हूं नेबरहुड में और अभी तो फिलहाल यहाँ पर ना मुझे कोई गाड़ी दिख रही है ना कोई घर बिकता हुआ दिख रहा है। लेफ्ट में एक गाड़ी खड़ी है खचाड़ा सी, मुझे नहीं चाहिए। ओए आराम से, क्या कर रहा है भाई? हाँ तो लेफ्ट साइड में 2 गाड़ियां और है यार, कोई घर नहीं बिक रहा क्या यार? भाई का देख के चला ले क्या कर रहा है बंदा। राइट साइड वाला घर अच्छा लग रहा है बट ये बिक नहीं रहा यार, कोई भी घर नहीं बिक रहा भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गेम में मुझे घर खरीदना है तो कहाँ जाना होगा भाई। वेट 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 वेट, वहां पर घर बिक रहा है, एक घर बिक रहा है। मुझे दिखा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो फोर सेल गेरा, ये वाला घर बिक रहा है और ये काफी ठीक ठाक भी है। ले लूँ क्या? इसमें पार्किंग मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। और लेफ्ट साइड में गाइस एक शेवलेट खड़ी है और सामने एक मस्टैंग खड़ी है, ये दोनों गाड़ियां भी खरीद लेते हैं। अपने अड़ोसी पड़ोसी की सारी गाड़ियां खरीद दूंगा भाई। बाकी ये अपना घर, फरारी यहाँ पर कुछ इस तरीके से पार्क होगी एंड ऐसा दिखने वाला है तो परचेस कर लेते हैं। शायद से यही एक लौता घर बिक रहा है। हाउस $60,000, इतना सस्ता? मैं पहले बताया थे 5-6 खरीद देता, रियल एस्टेट भी का काम कर लेते। तो चलो अभी बारी है हाउस टूर की। अपने घर में घुसते ही लेफ्ट में सोफा है, अरे टीवी तो लगा देते यार यहाँ पे, पता नहीं। खैर यहाँ पर एक टेबल है, इसमें अपना गेमिंग सेटअप कर लेंगे। अंदर वाले रूम में बेड, वाह बेड बहुत सही है। पीली चद्दर हटा दो बस, इस पे एकदम प्लेन चद्दर डालो। खत्म हो गया क्या भाई? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। क्या छोड़ो, हमें कौन सा यहाँ पर आना है, पता नहीं मैंने क्यों खरीदा है। ठीक है अच्छा है, अपने पास एक घर होना चाहिए। आई थिंक मैं इस घर को अपग्रेड कर सकता हूँ डेकोरेशन में जाके। ये हाउस, ओ यस हम लोग इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं भाई। बेड, मुझे बेड घटिया लग रहा था, बेड चेंज करते हैं। यहाँ पर एक है बेड ग्रीन वाला, एक है ब्लू वाला। ब्लू अच्छा है। $10,000 भाई, मैं बहुत पैसे उड़ाने वाला हूँ। ओके यहाँ पर अलमीरा है, अलमीरा ये क्या प्यारी है भाई, सब महंगी चीज होनी चाहिए। ये क्या है? अच्छा मैं अंदर से वॉल इंटीरियर चेंज कर सकता हूँ बट नहीं, मुझे सच में बहुत प्यारा लग रहा है इंटीरियर, तो इंटीरियर मैं बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला। पैसों का बात नहीं है, पैसे हैं। बात करते हैं आउटडोर डिजाइन की। रूफ का कलर मैं इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता हूँ। एक है वॉल को ओके इस कलर का कर देते हैं एंड टॉप से डार्क कर देता हूँ भाई जो यहाँ पे फोटो। चलो यार ठीक है। बाकी ये है इंटीरियर का डिजाइन। यहाँ पे भी वॉल है, ये नहीं चेंज करनी मेरे को। फ्लोरिंग चेंज कर सकता हूँ क्या? फ्लोरिंग अभी ऐसी थी, मैं इसको ऐसे डार्क कर सकता हूँ या फिर ऐसे ब्लू कर सकता हूँ। बाकी ब्लू कटे डार्क वाली अच्छी है, ये बाय कर लेते हैं, महंगी लग रही है। सोफे की बारी है भाई। सोफा 2 लगा सकते हैं, ग्रीन वाला लगा सकते हैं एंड ब्लू वाला बहुत अच्छा है। वैसे कलर तो यही अच्छा है बट महंगा ये लग रहा है क्योंकि वो सच में है महंगा। यहाँ पर एक सेंटर टेबल लगा सकता हूँ गोल वाला वुड का भी, बट ये महंगा है। लास्ट इस टेबल को मैं चेंज कर सकता हूँ, बढ़िया
भाई बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया मैंने अपने घर पे। ये देखो क्या प्यारा दिख रहा है, भी मस्त हो चुका अपना घर एकदम से। और अभी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, बट मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। अड़ोसी पड़ोसी की जितनी गाड़ियां ये ले लेते हैं, क्योंकि अभी रात हो जाएगी तो ये लोग बेचने नहीं वाले। हाँ जी भाई, 28,000 की दे रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, 24,000 में फाइनल डील। अपने पास बहुत पैसा है अभी। ओके, एक गाड़ी हमने खरीद ली। तेरी भाई तो बहुत गंदी गाड़ी है, बट जो भी अभी गाड़ी मैंने ले लिया, सोचते नहीं कल ठीक करा लेंगे। यहाँ पर ये मस्तांग बेच रहा है, 21% डैमेज है और 47,000 एक्सपर्टीज ले गया। स्पेशल आईडी क्या होता है? XU2। चेक करते हैं भाई गाड़ी में ऐसी क्या क्या दिक्कतें हैं जो हमें पता चलनी चाहिए। एक्सपर्टीज रिपोर्ट, लेफ्ट माउस बटन टू ड्रॉप। मस्टैंग में भाई हर टेस्ट में पास तो हुई है, इन गाड़ी आई थिंक लेने लायक है। रिपोर्ट ओके आई है भाई, मतलब ले सकते हैं गाड़ी, थोड़ा बहुत ही डैमेज है। ठीक है भाई बेच दे, फिर बार्गेन करता हूँ 47 का। तू एक काम कर, मेरे को 42,000 दे यार। नहीं 40 नहीं, 40 में दे देगी जहाँ तक है। 40,000 ओके आई, मिल गई भाई। गाड़ियाँ खरीदने में मैं कुछ ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो गया हूँ आजकल, टाइम ही नहीं लगाता भाई मैं, सीधा गाड़ी पसंद आई ले ली। चलो अभी अपने पास तीन बढ़िया गाड़ी हो चुकी है भाई, घर के बाहर लाके लगा दूंगा तीनों। एक गाड़ी लेकिन ऐसी खरीदेंगे जो हमेशा घर के बाहर खड़ी रहेगी, जैसे अभी फरारी खड़ी है, बट इसको बार बार ले जाना पड़ेगा, ड्रैग रेस करके पैसे भी तो कमाने हैं। बाकी ये वो मस्टैंग जो कि मैंने आज खरीदी है, बैठ के देखते हैं अंदर, अच्छी लग रही है यार। मतलब गाड़ी में ज्यादा मेरे को काम नहीं करवाना पड़ेगा, रिपेयर करवानी है, टायर वगैरह बहुत सही है। इसकी शोर तो मारती है भाई मस्टैंग, एक गलत लेवल का। तो इसको घर के बाहर ही पार्क करता हूँ, ऐसे अच्छा लगेगा ना यार अपना घर रात में। क्या बंदे कहेंगे कितना अमीर ओनर है, सारी महंगी महंगी गाड़ियां भाई घर के बाहर लाके लगा देता हूँ, कल इसे लेके चलेंगे। ये तो अपनी डॉज है, ओ सॉरी ये शेवरलेट है। मैं पता नहीं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, बट आप मुझे देखना मेरा घर कैसा अच्छा सा दिखने वाला है जब उसके घर के बाहर मस्त मस्त गाड़ियां पार्क होगी। ये देखो अभी ऐसा दिख रहा है भाई घर कुछ, यहाँ पर ये बहुत घटिया दिख रही है वाली कार यार। पर छोड़ो यार, जो भी बहुत बातचीत कर ली, सोने चलते हैं। इसको बंद कर दो, गाड़ी चोरी वोरी ना हो जाए मेरी। Let's go. Good night. क्या पैसा कमाया आज हमने? Good morning, guys. Next day हो चुका है। जिंदगी में कितने changes आ गए यार। कल तक हम लोग container में सो रहे थे, कुछ गाड़ी वाड़ी। सुप्रा भाई, सुप्रा आगे घर के सामने वाला बंदा सुप्रा बेच रहा है, कबाड़ के आगे बैठी हुई है, थोड़ा चेयर आगे रख के बैठ जाती है। 60% डैमेज है यार, तब भी 58,000 भाई। सुप्रा को एक बार ड्रैग रेस के लिए रखूंगा, ऐसे बेचूंगा नहीं, अभी खरीद लेता हूँ इसको। देखिए यार तू 58,000 ना ज्यादा बता रही है मेरे हिसाब से, तू 50,000 नहीं 48,000 में फाइनल डील कर रहे, तुरंत दूंगा पैसा तुरंत। ओके वेट हो गया, बिक गई भाई। तो ये देखो गाइस सुपरा आ चुकी है, मस्त इंटीरियर है इस गाड़ी का भी, और अभी अपना घर और मस्त दिखने वाला है। ये देखो क्या भाई, सजा दूंगा मैं अपना पूरा घर गाड़ियां खड़ी कर करके। ये देखो अभी पहले आज सारी गाड़ियां लाते हैं, फिर सबको टो करवाएंगे शोरूम पे। ये लो भाई एक गाड़ी और आ गई, कलेक्शन रेडी कर रहा हूं मैं, दो देता हूं यार। ये वाली गाड़ी ना गंदी बहुत दिख रही है, बेस्ती लग रही है, ये चमक जाएगी ना बहुत अच्छी दिखेगी। ये देखो क्या प्यारी होगी अचानक से, तुम्हें लग रहा होगा रस्टी कार है, फुल भाई फुल क्लीन है। ये देखो एकदम नई जैसी हो गई भाई। अपने नेबर तो सारे एकदम जलने वाले हैं, कहेंगे भाई क्या कलेक्शन है इस बंदे पे गाड़ियों का। अभी थोड़ा सा ना एक और चक्कर काट कर आते हैं नेबरहुड में, क्या पता और भी बढ़िया बढ़िया कार्स आ रखी हो। वैसे अभी तक मुझे दिख तो नहीं रही, सामने कुछ तो बड़ा क्रेजी खड़ा हुआ है, निसान। यार मैं खुश हो गया था कि निसान GTR है, वैसे निसान का ही गाड़ी है बट ये GTR नहीं है। कितने की बेच रहा भाई? अच्छा नहीं शेवरलेट है, तो सस्ती गाड़ी है, हट बे टाइम वेस्ट करा दिया। लेफ्ट वाले सड़क पे चलते हैं, वहां पर हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी गाड़ियां आ रखी हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ियां पहले खरीद रहा हूँ, शोरूम बाद में जा रहा हूँ, क्योंकि अब अभी लोग रहते ही नेबरहुड। लेक्सस भाई, लेक्सस ले लेते हैं यार, महंगी आती है बट सही बिकेगी। 35,000 की दे रही है ना, बार्गेन करके 29,000 ले लेते हैं, बिक जाएगी, एक ही बार में बेचेगी, लिख के ले लो। हो गया, गाड़ी आ गई भाई, प्रोफेशनल हो चुका हूँ मैं। इसी में बैठते हैं, चक्कर काटते हैं एक बारी नेबरहुड का, और गाड़ियां देखते हैं भाई। क्या शॉपिंग करी आज मैंने, कार मार्केट प्लेस भी ओपन है, एक बारी वहां पे भी चलेंगे। पैसा बहुत सारा है, भर भर के पैसा है मेरे पास। ओके वेट, एक टेस्ला बिक रही है भाई, टेस्ला। ओए आराम से। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ यार टेस्ला बिक रही है, लगे यार टेस्ला भी बाय कर लेते हैं भाई, सच्ची में मजा आने वाला है, इतना पैसा कमा लिया ना मैंने, मजा आ गया। टेस्ला फुली मस्त कंडीशन में है, 54,000 कह रही है, 46,000 की बेच दे, तू भी ऐश कर मैं भी ऐश करूंगा। नाइस भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ। इस गाड़ी को सीधा शोरूम पे भिजवा देता हूँ, क्योंकि अब मैं एक एक करके ना गाड़ी लेकर चला के नहीं जाने वाला मैं। लेक्सस को लेकर चलते हैं अपने घर के बाहर। भाई क्या कलेक्शन रेडी करा है मैंने, वैसे भी छोटा सा ही कलेक्शन है, पर ऐसे मजा आ रहा है ना अभी, थोड़ा एकदम अचानक से नए नए अमीर बन रहे हैं। ये देखो घर के बाहर पूरी वो काफिला रेडी कर दिया भाई। चलो अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, इस गाड़ी को भी मैं टो करवा देता हूँ, ये रिपेयर होनी है तो सीधा रिपेयर वाले की शॉप पे। मस्टैंग भी रिपेयर होनी है तो ये भी रिपेयर टू पे। सुपरा भी वैसे रिपेयर होनी है बट अभी जगह नहीं है, दो ही रिपेयर होती है एक बार में, तो इसको मैं टो करवाता हूँ शोरूम पे। एंड लास्ट ये डॉज की कंडीशन कैसी थी, इसकी कंडीशन को मालूम नहीं है,
ये भी 11% डैमेज है, बाकी जानी तो ये भी टो के वहीं पर है। ये फायदा होता है पार्किंग स्लॉट खरीदने का, देख रहे हो मुझे गाड़ी चला के नहीं ले जानी पड़ेगी, टाइम बहुत बचेगा। बाकी फरारी है ये मैंने जान मुझके छोड़ी है, इसको चला कर ले जाएंगे। और जाते जाते बीच रास्ते में मुझे कार मार्केट प्लेस भी विजिट करना है, हो सकता है वहां पे कोई पोर्शा सुप्रा फुली मॉडिफाइड या फिर कोई लैम्बोर्गिनी आई होगी तो मैं वो परचेस कर लूंगा क्योंकि पैसा बहुत है। बट हाँ, अभी मेरा टारगेट लैम्बोर्गिनी नहीं है, आर8 है और निसान GTR, क्योंकि लैम्बोर्गिनी को तो हमारी फरारी ने बहुत बुरा हराया था, तो मुझे ज्यादा बिलीव इस पे है। ऐसा लगता है निसान GTR ले ली ना तो फिर हम लोग हमेशा ड्रैग रेस से बस पैसा कमाएंगे। लेट्स गो गाइस, मार्केट प्लेस पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी साइड में आराम से बस 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 बस, बस। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं, गाड़ी ऑफ, अंदर होकर आते हैं, देखते हैं क्या क्या आज आया है। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कुछ भी मस्त गाड़ियां आ रखी है। AMG आई हुई है भाई, ये गाड़ी बहुत सही है, हर बार खरीदता हूँ, जब भी आती है बिक जाती है, क्योंकि इस बार 24% डैमेज आई है और 79,000 भाई 60,000 की भेज दे, चलो डील डन, रख कोई ड्राम। अबे यार ऐसे ड्रामे करते हैं ना बंदे, 65,000 की दे दे यार प्लीज। हो गया, गाड़ी आ गई एक और, इसको चला के ले जाना पड़ेगा क्योंकि अभी अपने पास स्लॉट नहीं है कहीं पे भी गाड़ी टो करवाने का। एक गाड़ी यहाँ से ले ली है, बाकी एक टेस्ला बिक्री है, दो टेस्ला हो जाएंगे, कितने की है टेस्ला, शोरूम भर दूंगा भाई आज मैं ना गाड़ियों से। 41 की डैमेज है, काफी अच्छी खासी, तू एक काम कर 26 की दे यार, बहुत ज्यादा डैमेज है, 56% आज से ज्यादा गाड़ी टूटी हुई है। बेटर ऑफर 28,000 ले ले भाई, चल तू भी याद रखे 32,000 ले ले, अभी तो दे दियो भाई वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं है। चल निकल यहां से, बाकी तो यार कोई भी अच्छी गाड़ी मुझे नहीं लग रही यहाँ पे। ऑडी है, छोड़ो यार, बहुत सस्ती गाड़ियां आ रही हैं सही बताऊं तो। फरारी को यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि अभी फरारी का कोई काम है नहीं, मतलब यहाँ से चोरी नहीं हो जाएगी, मैं थोड़ी देर बस पकड़ के आगे ले जाऊंगा। अभी AMG को रिपेयर करवाना है तो फटाफट से इसे लेके चलते हैं। मैं ना सही में 2-3 दिन से सॉरी अबे यार वो डैमेज करवा दी, उसकी अलग डैमेज कर दी मैंने। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं ना 2-3 दिन से बस ड्रैग रेस करने में लगा हूं, बिजनेस बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट आज घर खरीदा ऐसे नई नई खुशी हो रही है भाई साहब। शोरूम के बाहर तो पूरा डेरा लगा दिया है गाड़ियों का, ये देखो। इस गाड़ी को लेके चलता हूं, रिपेयर करवानी है, बहुत सारी गाड़ियां रिपेयर करवानी है, उल्टा पार्क कर देते हैं इसको यहाँ पे। भाई रिपेयर कर दो यार, ऐसे वेट मत करा करो मेरे आने का, आप भी रिपेयर लगाओ, ये गाड़ी तो कम डैमेज है। चलो जब तक ये दोनों रिपेयर हो रही है मैं एक काम करता हूँ, जो गाड़ियां रिपेयर्ड है उसे बेचने पे लगाता हूँ। टेस्ला बिल्कुल ठीक थी, वैसे सिर्फ टेस्ला ही ठीक थी, बाकी सारी गाड़ियां मैं डैमेज खरीद के लाया। बोलो भाई इलेक्ट्रिक कार है भाई, क्या एकदम साइलेंट है, कोई साउंड ही नहीं है, मजा ही नहीं है इसमें। चलो इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं, बस थोड़ा बहुत कूड़ा सफाई करनी पड़ेगी आज यार। सच में बहुत ज्यादा दुख हुआ, मेरे पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी गाड़ियां, काश एक लैम्बोर्गिनी आ जाती ना, मजा आ जाता। ऑफिस ओपन कर देता हूँ, फोटो खींच लेते हैं यार। अभी ना मुझे एक एम्प्लॉय का जरूरत है भाई, अभी बहुत हो गया, इसका फोटो खींच लेते हैं यार। मुझे ना अभी एक एम्प्लॉय का जरूरत है सच्ची में, क्योंकि इतने सारे काम अब मैं अकेले नहीं कर सकता यार। टेस्ला 46 की लाए थे, 88 की बेचेंगे, पुट ऑन सेल। बाकी सारी गाड़ियां रिपेयर हो चुकी होगी, सुपरा डैमेज थी ना, वैसे सुपरा का डैमेज थी, सारी गाड़ियां डैमेज है हल्की फुल्की। मुझे याद रखना है सुपरा बेचनी नहीं है, इसको ट्यून कराऊंगा भाई, बहुत सही है अभी, इसके अलॉय वगैरह भी बहुत सही लगे हुए हैं। रास्ता थोड़ा सा छोड़ देता हूं गाड़ी निकलने का, सुपरा को मैं ना ट्राई करता हूं, इसको लेकर चलेंगे ड्रैग वगैरह के लिए। पता नहीं फरारी से बेटर करेगी या नहीं, बट जो भी है इसको टो करवाते हैं यहाँ से, इसको भी टो करवा देते हैं। अब बाकी दोनों गाड़ियां लाया हूं, इसको रिपेयर 1 पे एंड इसको रिपेयर 2 पे। चल भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ यार, टाइम नहीं है। तू भी भाई फटाफट से रिपेयर लगा भाई, बहुत डैमेज है सुपरा तो यार। यहाँ पे भिखारी वाले भैया हैं, इनको भी पैसे दे देते हैं यार। ओ हायर, मैं इसको ऐसे एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ, $500 वीकली। चल यार तू मेरे साथ काम कर, मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी है। कहाँ गया, ओए ऑफिस में जाके बैठे गए, अबे $500 लेके कहाँ गायब हो गया। मैंने एक एम्प्लॉय हायर करा, मुझे पता नहीं मैं उसे कहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। वेब पेज रुक जा, उसको देखता हूँ तेरे को, मैं देखता हूँ यहाँ पे कस्टमर्स आए हैं, टेस्ला बिक जाएगी। हेलो मैम, $46,000 की देखो मैं खरीद के लाया हूँ, सच बता रहा हूँ। 57 दे रहे हो, बुरे तो नहीं है, 64 में फाइनल डील। अभी मैं ज्यादा ऐसे कस्टमर्स के लिए वेट नहीं करता, पहले आया उसी के साथ बढ़िया डील करो, गाड़ी खत्म करो, बिक गई। प्रोफेशनल डीलर ब्रो बनाया, इस प्रोफेशनल डीलर को चूना कैसे लगा के चला गया वो, $500 उसको मैंने दिए, हायर करा मैंने उसको, बट किस काम के लिए करा ये नहीं मालूम। हायर लिख कर आ रहा था, मैंने दे दिए $500, बिल्कुल लगा काम करेगा, गाड़ी साफ सफाई कर देगा। बट लेक्सस रिपेयर हो गई थी, लेक्सस को बैठ के अंदर लगाता हूँ। भाई कुछ भी कहो, इस गेम में कितनी गाड़ियां देख ली, इंटीरियर तो भाई इसका ही है, मतलब प्रॉपर मर्सिडीज एस क्लास वाली बातचीत है यार इस गाड़ी में। ए, टायर किसने करवाए हैं यार, इस गाड़ी के बड़े गंदे दिख रहे हैं, वैसे हो सकता है बुलेट प्रूफ टायर हो। चलो ठीक है, मस्टैंग भी रिपेयर होकर आ गई है, आराम से इसे भी ले जाके पार्क करना, मस्टैंग भी बेचूंगा अभी। मेरे को पर्सनल कार सिर्फ सुपरा एंड फरारी रखेंगे आज, ना ये सारी गाड़ियां बेच देता हूँ उसके बाद। एक मिनट रुको, ये गाड़ी डैमेज है 11%, इस गाड़ी को बैठ के लेकर चलते हैं रिपेयरिंग के लिए। बाकी हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज सारी गाड़ी बेच देंगे उसके बाद चलेंगे ड्रैग करने, क्योंकि कल हो सकता है ऑक्शन हो और ऑक्शन की सारी गाड़ियां खरीदूंगा। चलो भाई सारी गाड़ियां मॉडिफाई हो गई, इसको टो करवा देते हैं, एंड सुपरा को तो मैं रिपेयर
ट्यून कराऊंगा, इस गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं। अबे यार टो करवा दी मैंने गलती से भाई, कुछ ही देर में रात होने वाली है, सारी गाड़ियां कल ही सेल करनी पड़ेगी, अब तो टाइम नहीं बचा, थोड़ा ही टाइम बचा है, सुप्रा ट्यून करवा लेता हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी सर इसे रिपेयर करो फटाफट, मैं बैठता हूँ सुप्रा में। वैसे ट्यून तो पता है अच्छी खासी हो रखी है, तभी उसने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, इसमें नाइट्रो वगैरह लगा पड़ा है फुल एकदम बूस्टर, मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा कुछ काम करवाने की जरूरत है। देखते हैं क्या क्या इसमें इंस्टॉल्ड था, ड्रिफ्ट किट नहीं है, रेसिंग किट इंस्टॉल्ड है, बाकी सब कुछ इंस्टॉल्ड है भाई इस गाड़ी में, कुछ नहीं कराना भाई, कुछ भी नहीं कराना इस गाड़ी में। कलर चेंज करवा सकता हूँ मैं, कलर भाई कलर कैसा कराए इसका, पर्पल करा दूंगा भाई, बहुत अलग ही दिखेगी, तो लाइट कलर है वैसे मुझे गाड़ी का। अच्छा गाड़ी का पेंट ये क्यों करेगा, गाड़ी का पेंट यहाँ पर होगा ना ऑटो पेंटिंग पे, इधर ला खड़ी करते हैं, यहाँ से कराएंगे गाड़ी का पेंटिंग, जल्दी करते हैं भाई अंधेरा होने वाला है, हमें करानी है गाड़ी पर्पल, तो खतरनाक सी डेंजर पर्पल। चलो भाई स्टार्स एंड द वंडर कार वाला कलर करवा दिया मैंने अपनी सुप्रा का, इसको ड्रैग के लिए लेकर चलेंगे भाई, क्या क्रेजी दिख रही है, बहुत महंगी सी नहीं दिख रही है गाड़ी मेरे को, तो दिख रही है भाई पता नहीं क्या, बाकी इसको यहीं पे पार्क कर देते हैं अभी, इसको घर लेके नहीं चलते हैं, खाली अपना ड्रैग वगैरह के लिए जाएगी, ये गाड़ी आई है इसको अंदर कर देता हूँ भाई। आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने शोरूम का बहुत सारा काम करा, बहुत अच्छी अच्छी बहुत महंगी महंगी कार लेकर आया हूँ मैं, एक भी सस्ती गाड़ी नहीं ली, सबको बेचूंगा कल, अभी फिलहाल जल्दी से ना पहले चलते हैं मार्केट प्लेस, गाड़ी खरीदने नहीं आया हूँ अपनी फरारी लेने आया हूँ भाई, यहीं छोड़ के क्या हुआ था यार, मेरे को पता दुख हो रहा है कल मैंने ड्रैग रेस नहीं करी, ड्रैग रेस करनी चाहिए थी, अंधेरा हो गया ध्यान ही नहीं दिया, अब से ना मैं लास्ट के जो 2 घंटे होते हैं ना इसमें डे टाइम के वो मैं ड्रैग रेस को दूंगा, क्योंकि दिन में ड्रैग रेस करो ना तो फिर बाकी टास्क नहीं हो पाते, तो ड्रैग रेस एकदम एंड में बेटर रहती है। और एक सेकंड मैं यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ सोने, अभी मैंने घर खरीद लिया, मैं भूल गया था, अपनी आदत हो गई कंटेनर रहने की। चलो अभी हम लोग आ चुके हैं लॉनवुड में, और मैं अपना घर ना सच्ची में भूल गया यार, पहली दूसरी गली में था शायद, दूसरी गली में। चलो गाइस हम लोग शायद से हाँ यही है मेरा घर, यही है, मैं भूल गया यार सच्ची में, घर ही भूल गया मैं तो। लेट्स गो, घर पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और जल्दी से चलते हैं अंदर सोने, कंटेनर बेटर रहता है यार, वो पास पड़ता है, ये वाला घर बहुत दूर है, सो जाते हैं अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, आज ऑक्शन है 4 बजे, 4 बजे ऑक्शन करेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे, फिर चलेंगे अपना सोने। चलो फिलहाल आज मैं यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदने वाला, अगर मतलब ऐसी कोई अच्छी सी दिख जाती है तो ले लेंगे, फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी क्रेजी कार नहीं है, लेफ्ट साइड में घटिया सी एसयूवी है, मेरे को नहीं चाहिए। यू क्लीन द ऑफिस, मैंने ऑफिस नहीं क्लीन करा, शायद से वो जो बैगर को मैंने हायर करा था वीकली वो मेरा ऑफिस क्लीन कर रहा है क्या, क्योंकि मेरे को ऑफिस क्लीन करने के पॉइंट्स मिले, हो सकता है भाई वो क्लीनिंग का काम कर रहा हो। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है, हेलो ठोक दी क्या, चलो ठीक है टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट गाड़ी में हम मारते हैं बूस्टर, अब फरारी कैसी पावर दिखाकर चलते हैं भाई। ओके वेट, लेफ्ट साइड में ड्रैग के लिए टेस्ला आई हुई है भाई, ये कल हमारे यहाँ से ही खरीद के गया, आज ड्रैग करने आ गया। टेस्ला वैसे डेंजर होगी यार, ड्रैग के लिए इलेक्ट्रिक कार है, उसका इनिशियल पुश बहुत तगड़ा होगा भाई, लॉन्च बहुत तगड़ा करेगी, बट ठीक है अपने को डर नहीं लगता भाई, फरारी सुपरा क्या क्या खड़ा हुआ है अपने पास, डरने की जरूरत नहीं है। चलो फरारी भी आ चुकी है, फरारी ये अपनी दोनों पर्सनल कार को यहाँ पर लगाएंगे, ओए ठोक देंगे यहाँ तो लोग, ठीक है तो ये दोनों अपनी पर्सनल कार है, टेक्नो मोटर्स का एक्सपेंसिव नहीं दिख रहा है देखो भाई साहब। चलो ठीक है, ये है अपना बैगर नहीं सॉरी अपना एम्प्लॉय जो कि यहाँ पर आज से साफ सफाई कर रहा है, मुझे लग ही रहा था कल से आएगा, बट ठीक है सबसे पहला काम है अपना गाड़ियां अपलोड करना इंटरनेट पे। लेक्सस की फोटो खींच लेते हैं, मस्टैंग का फोटो खींच लेते हैं और एक AMG का फोटो खींच लेते हैं, एंड इन तीनों को इंटरनेट पे डाल देते हैं बिकने के लिए। देखो $5,24,000 है, 4-5 गाड़ियां भी खड़ी है, तो हमें डॉज चार्जर सबसे पहले लगानी है, फोर्ड मस्टैंग 40,000 की लाया था, 80,000 डाल देते हैं, 60 56 की निकल जाएगी, टोयोटा की एवरॉन 30,000 की थी, 60,000 डबल करके डालो भाई, मर्सिडीज कूपे 65,000 की थी, यार ये गाड़ी मैंने ना बेच रखी है $1,25,000 में, तो मैं चाहे कितने की भी खरीद के लाऊं मैं इस गाड़ी को महंगा बेच सकता हूं, मुझे बिलीव है उस गाड़ी को मैंने बहुत ज्यादा प्राइस में डाला है। आज अपने पास वैसे ज्यादा कुछ करने को है नहीं, 4 बजे ऑक्शन है, मुझे बस उसका वेट करना है, उसमें कौन कौन सी गाड़ी आएगी, बाकी ये सब गाड़ियां अभी ये रिपेयर नहीं हुई है, वॉश नहीं हुई, तो करवा के भेजते हैं, शायद से वॉश करनी है वो मैं कर दूंगा, अपने पास है 3 गाड़ियां सेल पे लगा दी है, ये है अपनी लास्ट डॉज चार्जर भाई, क्या शोर मचा देती है ना ये गाड़ी, मजा आ जाता है, बहुत सही कार है। GTA में जो फ्रैंकलिन के पास गाड़ी होती है ना गाइस, ये एग्जैक्ट वही कार है, तो इसको भी बेचेंगे हम लोग। वेब पेज एंड गाड़ी है डॉज चार्जर, 24,000 की लाया था, इसको हम लोग बेचेंगे 68,000 का, डन भाई। सारी गाड़ियां मैंने बेचने पे लगा दिया, सुपर एंड फरारी छोड़ के, कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं, बट कस्टमर्स को गाड़ियां दिखाने से पहले ना मैं सारी गाड़ियां वॉश कर देता हूँ यार, एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और साथ में गाड़ी भी क्लीन हो जाती है। यहाँ पे लेक्सस वगैरह सब कुछ गंदी, वैसे ये लेक्सस नहीं है पता, मैं इतने टाइम से मेरे को लेक्सस लग रही थी, टोयोटा है कोई भाई, कस्टमर्स की भीड़ आने लग गई है भर भर के, मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा ये सारी गाड़ियां बेच के, सारी में से मैं फरारी और सुपरा नहीं काउंट कर रहा हूँ। हेलो भाई मस्टैंग को भी क्लीन कर देते हैं, क्या मजा आ रहा है भाई गाड़ी धोने में,
थकावट हो गई मुझे तो। एक दो गाड़ी नहीं है ना भाई, चार पांच गाड़ियां हैं। अपना ये जो एम्प्लॉय है भाई उसको करना चाहिए ये काम, पता है। चलो भाई गाड़ियां एकदम मस्त क्लीन हो गई है। सबसे ज्यादा बंदे मस्टैंग के लिए आए हैं भाई, पूरी भीड़ लग गई। पहले इसी गाड़ी को निकालते हैं। $80,000 के ये बंदा मुझे दे रहा है 48। तू वेट कर, इससे पता कर लेता हूँ। ये लड़की मुझे दे रही है वो 48 दे रहा था ना, ये दे रही है 46। तो तू बेकार है, तू कितने दे रहे आंटी? 48 का कस्टमर अपने पास है जो कि 54 की ले जाएगा। 47 नहीं। एक एक करके ना यार गाड़ियां बेचना शुरू करता हूँ। ये भी मस्टैंग के लिए आ रखी है, इससे पता कर लेते हैं एक बारी। यार तू 50,000 तो बोल प्लीज, तेरे को बेचूंगा गाड़ी। 46 नहीं यार, तुम सब बेकार हो भाई साहब, आप ठीक डील दे रहे थे। ऐसे ज्यादा गाड़ियां रहती, ज्यादा कस्टमर आते हैं ना, एक्स्ट्रा कंफ्यूजन होती है। तो ये बंदे को मैं 54 की गाड़ी निकाल सकता हूँ, मुझे पक्का पता है। 56 की भी जा सकती थी वैसे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा लेट सोचा। बाकी अभी नेक्स्ट कस्टमर से कूपे के लिए थोड़ी धो देता हूँ भाई, तो एक्स्ट्रा गंदी। रुक जाओ भाई, सारे लोग एक बारी धो दो गाड़ी, जाना मत कोई, मुझे पता है मैंने बहुत वेट करा दिया। अभी टेक्नो मोटर्स भाई बहुत बिजी हो चुका है। चलो अब कस्टमर से बात करते हैं। हेलो मैम, $125,000 की डाली है और तू मुझे दे रही है 96। एक कस्टमर तो चला गया, 96 मुझे मिल रहे हैं इसके। ये कितने दे रही है? 1 लाख तो दो यार, 1 लाख। ओके नाइस, बढ़िया डील है, क्योंकि मैं गाड़ी सिर्फ $65,000 की लाया हूँ, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैं 1,20,000 बोल के देखूं, क्या पता खरीद ले, होते हैं कभी बार। अरे यार देखो 1,18,000, इससे नीचे नहीं बिक सकती है, पता है इतने में भी होता है कभी बार। ओके नाइस, देखो बिक गई, कमाई तो होगी भाई। अभी आ गई है डॉज की बारी। हेलो आंटी, 68,000 भाई, रेयर कार है, मिलती नहीं है। बोलने तो 28 पहले बोल दिया इसने, 40,000 इससे नीचे नहीं, क्योंकि 24 की तो मैं लाया हूं, 28 की ये ले रही है। इसको खरीद के रेट पता है क्या? ओए तू मैं नहीं खरीदेगी जहाँ से। हाँ जी सर, ये गाड़ी बहुत बड़े, आप ये वाली ले लो। 29 की मैं लाया हूं, 60 की इसे बेच रहा हूं, 30,000 से ज्यादा का प्रॉफिट में। 40 दे रहा भाई, बुरा अंदा नहीं है। 46 की ले जा, खरीद लेगा शायद। ओके नाइस, खरीद ली। एक ही गाड़ी बची है भाई, मैंने कितने कम टाइम में सारी गाड़ियां बेच डाली। ओके ठीक है भाई, एक और कस्टमर आ चुका है अपनी डॉज चार्जर के लिए। वॉश कर देता हूँ थोड़ी सी, गंदी तो खैर नहीं हुई है, अभी वॉश करी थी। ऑक्शन 4 बजे चालू होने वाला है, मतलब अगले 1-1.5 मिनट में हो जाए, 1-1.5 घंटे में गेम के हिसाब से। हाँ जी भाई, 68,000 खरीद ले यार, 46 की ले जाना है गाड़ी। 23 तो सीधा निकलते से बात ही नहीं करनी मुझे भाई, अलग ही है। देखो कैसे ये बियर है हाइट ये भाई। अब थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, चिल करेंगे भाई। हमने आज बहुत बहुत भाई गाड़ियां वाड़ियां बेची है, मजे आ गए। कस्टमर आ चुके ऑफिस में, ये लो भाई टेक्नो मोटर्स में स्वागत। अरे भाई चक्कर आ गए वो, एक सेकंड, ये मुझे नहीं मालूम था। एक सेकंड भाई, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है स्क्रीन, ये देखो। दो गुट पी है भाई। 68,000 यार, खरीद लो यार 30, थोड़ा सा अच्छा कस्टमर अभी तक तो, वरना 28 ऑफर कर रहे थे। 30 क्यों जा रहा हूँ मैं, जब ये गाड़ी 40,000 की बिक सकती है। इस गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं है क्या डॉज की यार? तू एक काम कर, 28। ओके नया कस्टमर आया, रुक जा। 30 ये दे रहा था मेरे को, और ये भी अगर यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की इतनी वैल्यू है नहीं, तो ये अच्छा खासा कस्टमर है, 30,000 दे रहा है। तो ज्यादा बहस ना करके इसे 34,000 में निकाल लेते हैं, डील डन हो जाएगी। चलो टेंशन खत्म हो जाती है, सारी गाड़ियां मैंने बेच दी, दो गाड़ियां खड़ी है। मैं चाहूं तो अभी भी मिलियनेयर बन मैं हूं भाई अभी इस गेम में, कह सकते दोनों गाड़ियां क्या मस्त दिख रही है। आज मेरे को ड्रैग के लिए भी जाना है, बट ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, 4 बज गए, ऑक्शन चालू है भाई। कोई गाड़ी तो नहीं मिस हो गई मेरे से? जल्दी से पहुंचता हूँ। फर्स्ट कार कौन सी आ रखे? नहीं कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी पार्क करते हैं, अभी बचा है ऑक्शन। 3-3 शटर खुलने बाकी है। लाओ सर टिकट दो फटाफट से, मैं चल के बैठ के देखता हूँ भाई क्या चल रहा है ऑक्शन में। फर्स्ट गाड़ी है, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेकेंड कार BM, नहीं यार ये गाड़ी भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, जिसको लेनी है ले लो, खरीद लो यार। गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं है, कुछ काम नहीं करवाना, ले जाके वॉश करके बेच दूंगा, डालता हूँ बिड। सस्ती कितनी आ रही है वो देखो ना, मतलब नुकसान का सौदा नहीं है, एटलीस्ट ऑक्शन में आया हूँ तो कुछ तो कमा लूँ। गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, बट ऐसा है कि खरीदू ना खरीदू मेरे लिए एक बराबर है, बहुत सस्ती गाड़ी है। मैं इसीलिए बिड के लिए ना एकदम टॉप वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, जितना डालना डालो भाई, गाड़ी होगी अपनी। ओ भाई लेट्स गो, आई चीज तो 1.5 लाख की पोस्ट आई है, अपनी है। टेंशन मतलब तुम्हारा भाई खरीद ले। डालो भाई कितने बिड डालोगे? मैं एंड तक लड़ूंगा। ले भाई 10,000 बढ़ाऊंगा सीधा। लो 10,000 और बढ़ा दिए, ये गाड़ी तो अपनी है भाई, इसको लो 10,000 और डाल दूंगा भाई, मेरे को दे दो आपको 7,000। 1,29,000 की आई थी, 1,81,000 पहुंच चुकी और गाड़ी हो गई अपनी। नाइस, ये क्या है लास्ट कबाड़ भाई? आज दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, मुझे नहीं खरीदना है कबाड़ा, मेरे को जो गाड़ी चाहिए थी मेरे को मिल चुकी है भाई। ये तो कबाड़ बिकने आ गया, मैं अपनी गाड़ी क्लोज से देख लेता हूँ थोड़ी भाई। हमने दोबारा से ले लिया पोर्शे, अब बस मुझे ना ये पता करना है कि पोर्शे फरारी सुपरा इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है, जो कि मुझे हमेशा ड्रैग रेस के लिए अपने पास रखनी है। जो सबसे बेस्ट होगी उसे रखूंगा और बाकी बेच। वैसे भी तो मुझे खुशी हो रही है भाई, ये वाली गाड़ी भी कोई बुरी डील नहीं थी, एकदम फ्रेश कंडीशन में। काम करवाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अलॉय वगैरह बहुत पुराने हैं, इसके भी घटिया
हुए हैं, वो थोड़ा बहुत तो काम करवाऊंगा मैं। नंबर प्लेट भी ऐसे पुरानी पता नहीं कहाँ की लगी हुई है। बाकी ठीक है, ऑक्शन चालू है, ये गाड़ी अभी तक बिक नहीं रही है। कौन है भाई, खरीद खरीद के खत्म करो ना इसे। मैं अपनी दोनों गाड़ियां लेके घर जाऊं आराम से। भाई क्या बढ़िया डील हुई है, लेकिन मजा आ गया। आज ना तीनों गाड़ियों को एक साथ खड़े करूंगा और एक लॉन्च कंट्रोल मारेंगे, देखेंगे कौन सी गाड़ी सबसे जल्दी ज्यादा स्पीड रीच कर रही है। ओ भाई खत्म करो यार, मैं जाके ड्रैग रेस भी कर लूंगा, ये गाड़ी बिक क्यों नहीं रही है। भैंस की आंख, चलो बिक गई भाई, पता नहीं किसी घोंचू ने खरीद ली। मैं आंख खराब कर दिया। मैं अपनी दोनों गाड़ियां यहीं पर खड़ी है, जल्दी से चक्कर काट के आता हूं भाई। ड्रैग रेस पर अगर पहुंच गया तो आज हो जाएगी, वरना तो रात में ड्रैग रेस नहीं होती। जल्दी जल्दी फरारी भाग, नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे को लग रहा है अंधेरा हो जाएगा एंड ड्रैग रेस बंद हो जाएगी। मैं खाली पीली जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ये लो अंधेरा हो गया। क्या यार भाई, एक सेकंड, एक जन खड़ा तो हुआ ड्रैग रेस के लिए, टेस्ला वाला वेट तो कर रहा है। जल्दी से चलते हैं, सिर ले 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 भाई, ड्रैग रेस कर, आ जा लगा रेस। देखूंगा ही नहीं भाई, तू कौन है, पैसा चाहिए मुझे। मेरी गाड़ी में पेट्रोल तो था ना, मैंने आके फटाफट से, होगा यार मैंने फुल करवा देता हूँ मैं, इसमें तो टेंशन नहीं है। चलो भाई लेट्स गो, जीत के लिए रेडी हूँ मैं। फुल गियर अप करके गाड़ी एकदम पोजी पे, बढ़िया 3-2-1 कर दो भाई, बस जीतने के लिए मैं रेडी हूँ यार। वैसे इलेक्ट्रिक कार है, टेस्ला है, स्टार्टिंग में बहुत तेज भाग सकते हैं। 1 गो, चलो चलो चलो, बाय बाय टेस्ला, जल्दी घर चलो, जल्दी गियर उतारो। ओ भाई आ रही है, ओ नहीं प्लीज नहीं भाई, डरा दिया था उसने यार। आ रही थी वो, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता टेस्ला लपेट देती भाई फरारी को। टेस्ला डेंजर है भाई, पर ठीक है पैसा बच गया, हम लोग जीत के आए, मुझे खुशी मनानी चाहिए। पर हाँ इतना याद रखना, टेस्ला से मजे नहीं भाई, टेस्ला खतरनाक है। चलो अभी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं लेकर जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को ऑफिस पे। तीनों गाड़ियों को ना बस मुझे एक साथ खड़े करके देखना है भाई कैसी है। भाई बहुत सही दिखने वाली यार तीनों गाड़ियां, मतलब कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है अपने पास। ये देखो अपने पास सुपरा है, फरारी है, भाई आराम से सुपरा है, फरारी है, और अभी पोर्शे ला रहा हूँ। मेरे को थोड़ी सी दूर खड़ी है, पैदल भाग के जाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकर आते हैं। तो ये रही अपनी पोर्शे, जल्दी से बैठते हैं, इसे भी लेके चलते हैं भाई। ये गाड़ी में भी है यार पावर तो है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये गाड़ी उनसे फास्ट है। पता नहीं क्यों इसकी लुक वुक में ऐसी बातचीत, ऐसा लगता है कि भाई लपेट देगी गाड़ी अकेले सब। चलो इसको यहाँ पे ला के आराम से पार्क करते हैं भाई, तीनों गाड़ियां बहुत महंगी हैं, सुपरा उल्टा सबसे सस्ती है इनमें से। ऑल राइट गाइस, तो ये हो चुका है कलेक्शन अपना तीनों गाड़ियों का। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में जाके बताना इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है जिससे हमें ड्रैग रेस करनी चाहिए। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों का ही प्रॉपर टेस्ट करने वाला हूँ, और फिर एक गाड़ी अपनी फाइनल रखूंगा, और जो घटिया होगी मतलब जो सबसे बेस्ट होगी उसे छोड़ के बाकी दोनों गाड़ियां मैं बेच दूंगा। आप लोग को क्या लगता है इन तीनों में से कौन सी बेस्ट होगी कमेंट्स में जाके जरूर बताना, मुझे सच में नहीं मालूम। आज जैसे टेस्ला का कुछ नहीं पता था भाई, पर उसने बहुत बुरी टक्कर दिया फरारी को, वो कहां $50,000 की, ये कहां भाई $5,00,000 की, बट टक्कर बहुत जबरदस्त दी थी, मजा आ गया। बाकी मैं जा रहा हूं भाई नेबरहुड बस पकड़ के घर पे, गाड़ियां आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, चुपचाप आराम से चल के सोएंगे। बस कहां पे छोड़ते, मेरा घर कहां है, यही वाला है क्या मेरा घर, हां नहीं ओ हाँ यही है अपना घर, बस एकदम मेरे को घर के बाहर उतारती है, वाओ मेरे को जैसे ज्यादा चल के आने की जरूरत। बाकी हाँ यार जो भी है, आज हमने घर भी खरीद लिया, मस्त मस्त गाड़ियां भी खरीद ली, सब कुछ हो चुका है। आप लोग एक काम करो, बस फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 7,50,000 लाइक के लिए, तो आई होप आप लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दोगे। चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टाइप की और भी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। एंड जो लोग ने अभी तक बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाया उसे दबा दो, ताकि जैसी वीडियो डालूं वैसे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं चलता हूं, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।